बहुत से लोगों के लिए सपना है ये, और मेरे लिए भी ये चीज़ एक सपना ही थी कि यार कभी फरा मैम से मैं ऐसे मिलूंगा, कभी मलाइका मैम से मैं एक बार मिल चुका हूँ पहले रियलिटी शो में ही, अरशद सर हो गए, तो ये सब एक सपने होते हैं, ख्वाहिशें होती हैं इंसान की, सपने होते हैं वो धीरे धीरे पूरे होते जा रहे हैं। आई थिंक परफेक्ट किसी भी चीज़ में इंसान कभी होता नहीं है, मुझे बस गाने लगा दो, बॉलीवुड डांस करा लो, शाहरुख खान के डांस करा लो, उस तरीके से तो वो मुझे मज़ा आता है, चाहिए चाहिए फ्री स्टाइल करते रहो ये वो। हर इंसान अपना 100% यहाँ पे देने वाला है, दे रहा है, मुझे लगता है कि मुझे खुद से बेटर अपने आप को हर एपिसोड में अपने आप से ही बेटर परफॉर्म करना है। लेकिन हाँ, मैंने पहले किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे डांस आता है, उस चीज़ को काफ़ी वक्त हो गया, 6 साल के आसपास हो गए हैं, एंड बीच में रिदम टूट जाता है, चीज़ें हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें, एंड कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ अगर आप कोई भी चीज़ प्रैक्टिस कर रहे हो बीच में छोड़ दो तो वो हो ही जाता है। हेलो गाइस, मैं हूँ अरुणा पूर्वे और आप सबका स्वागत है E24 पर। सो सोनी टीवी पे बहुत जल्द आ रहा है डांस रियलिटी शो जिसका नाम है झलक दिखला जा, और अपना झलक दिखाने के लिए इस वक्त हमारे साथ है शोएब इब्राहिम। शोएब, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका E24 पर। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आपका पूरा झलक नजर आने वाला है झलक दिखला जा के मंच पर? अब वो तो आप ही देख के बताएंगे, लेकिन यस, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, एंड बहुत वक्त से मैं ये चीज़ करना चाहता था, बट कहते ना कि हर एक चीज़ का सही वक्त होता है, तो शायद ये सही वक्त है और सारी चीज़ें जगह पे बैठी हैं, एंड वो मैं कर रहा हूँ झलक दिखला जा, और एक्साइटेड भी हूँ, नर्वस भी हूँ, क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा है, हम लोग यूज्ड टू नहीं होते इस डांस के, हम लोग शूटिंग पे डांस करते हैं इजिली 4-4 काउंट में, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से हर बीट को पकड़ के डांस करना, बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है, और हम लोग यूजुअली जिम करते हैं, मसल हैवी होते हैं, तो बॉडी फ्लेक्सिबल, हाथ पीछे नहीं जाते, पैर नहीं स्ट्रेच होते, चीज़ें तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन हाँ मज़ा बहुत आ रहा है जर्नी, बस मैं चाहूँगा कि मेरी जर्नी जितनी भी रहे, जहाँ तक भी रहे, बहुत अच्छी हो, बहुत खूबसूरत हो, ताकि मैं लाइफ टाइम इस जर्नी को याद रख सकूँ। बट जो ऑडियंसेस है उन्होंने आपको पहले भी एक रियलिटी शो में देखा है नच बलिया करते हुए, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर वो बैगेज है कि इस बार मुझे और अच्छे से अपने आप को पोर्ट्रे करना है, बिकॉज पहले भी आपने किया है, अभी भी आप वापस आ रहे हो रियलिटी शो के साथ। नहीं नहीं, बैगेज लेके मैं कभी नहीं जीता, लेकिन हाँ मैंने पहले किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे डांस आता है, उस चीज़ को काफ़ी वक्त हो गया, 6 साल के आसपास हो गए हैं, एंड बीच में रिदम टूट जाता है, चीज़ें हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें, एंड कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ अगर आप कोई भी चीज़ प्रैक्टिस कर रहे हो बीच में छोड़ दो तो वो हो ही जाता है, तो अभी 6 साल हो गए हैं, फिर से वापस वो चीज़ करना, एज भी 6 साल ज़्यादा बड़ी हो गई है, तो एनर्जी भी वो गेन करना है, स्टार्ट टू एंड स्ट्रेचिंग हो गया, अलग अलग फॉर्म ट्राई करना, जो कि मुश्किल होता है 4 दिन में सीखना, तो बस कर रहे हैं, अभी देखते हैं कैसे क्या होता है। रिसेंटली पापा बने आप, तो किस तरह से पूरा आप मैनेज कर रहे हो, क्योंकि प्रैक्टिस में ऑब्वियसली टाइम देना पड़ता है और न्यू बेबी है तो फिर उससे भी टाइम देना जरूरी है, तो किस तरह से दोनों चीज़ मैनेज हो रहा है? दोनों चीज़ें मैनेज हो रही हैं, एंड बेस्ट पार्ट ये है कि अभी मैं कोई शो नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ झलक है, तो सुबह 11-12 के आसपास मैं घर से निकलता हूँ, तो उससे पहले 1-2 घंटे रूहान के साथ खेल के निकलता हूँ मस्ती करके, एंड फिर जब रात में 9-10 बजे के आसपास घर पहुँचता हूँ तो 1-2 घंटा उसके साथ खेल के फिर मैं सो जाता हूँ, तो अभी टाइम मैनेज हो रहा है बहुत अच्छे से, क्योंकि दीपिका है, फैमिली है, सब घर पे चीज़ें तो इजीली मैनेज हो रही हैं, यही एक रीज़न है कि आज मैं झलक कर पा रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से मुझे सबने पुश किया, स्पेशली दीपिका ने पुश किया कि अभी हो गया 3 महीने तुमने रूहान के साथ बिता भी ली अच्छे से, अभी वो समझदार भी थोड़ा सा हो गया है, बड़ा हो गया है, 4 महीने का हो गया है, अभी जाओ करो, यहाँ पे हम सब संभाल लेंगे। अगर दीपिका की बात किया जाए तो अभी रिसेंटली जब फर्स्ट एपिसोड शूट हो रहा था तो दीपिका आई थी सेट पे आपको चीयर करने के लिए, एक सपोर्ट सिस्टम बन के, तो किस तरह से वो पूरा फीलिंग था कि यू नो सीइंग योर गर्ल यू नो चीयरिंग यू? बहुत ज़्यादा, और मुझे मतलब मैं हमेशा बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता हूँ कि जब दीपिका मेरी वजह से अगर प्राउड फील करे, तो उस दिन वो प्राउड उसकी आंखों में दिख रहा था, एंड यस आई थिंक 5 साल के बाद मतलब ऑडियंस मुझे और दीपिका को ऐसे टीवी स्क्रीन पे एक साथ देखेगी, आई थिंक बिग बॉस में जब फैमिली वीक था, जब मैं दीपिका से मिलने गया था, आई थिंक उसके बाद हम लोग ऐसे टीवी पे, हाँ ब्लॉग्स एंड म्यूजिक वीडियोस एक डिफरेंट चीज़ है, इस तरीके से नहीं दिखे, तो आई थिंक बहुत स्पेशल मोमेंट है वो हम सब के लिए, इनफैक्ट आप सब के लिए भी जो हमें चाहते हैं, हमें पसंद करते हैं और साथ देखना चाहते हैं, तो उनके लिए होगा, एंड बाकी एपिसोड में क्या हुआ कैसा हुआ वो सारी चीज़ें आप एपिसोड में ही देखिएगा। कोरियोग्राफर आपका कौन है? अभी तो आप सबने देखा है, अभी आप बताइए कौन है।
किस तरह से यू नो एक कोरियोग्राफर जो होता है वो एक प्रॉपरली डांस वो सीखे हुए होते हैं और आपको कहीं ना कहीं वो स्टेप्स में फिट इन करने की कोशिश करते हैं, तो किस तरह से वो मैनेज होता है पूरा? कभी ऐसे डांट खाया है कि ये स्टेप नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है ट्राई? नहीं नहीं नहीं, डांट ऐसे तो नहीं खाया, बट यस सबसे ज़्यादा प्रेशर अगर कोई चीज़ का होता है ना तो उसी चीज़ का होता है, क्योंकि हम जिसके साथ परफॉर्म कर रहे हैं वो अपने आप में प्रो है, नो प्रोफेशनल है, हर एक चीज़ उनको जबरदस्त आती है, वो भी हमसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा दिमाग में एक प्रेशर रहता है कि यार हमसे कोई ऐसा गूफ अप ना हो जाए कि हमारी वजह से उनकी मेहनत ख़राब हो, उन पर उंगलियाँ उठें, क्योंकि एट दिन पर यही बोलते हैं ना कि अच्छा कौन सिखा रहा है, ये है वो है, बट मैं पूरी कोशिश मेरी रहती है कि यार मैं उनको डाउन ना कर सकूं, अनु को, अनुराधा है मेरी कोरियोग्राफर, उनको डाउन ना कर सकूं, और अभी तक तो पहले एपिसोड में ऐसा नहीं हुआ है, आगे भी इंशाल्लाह उम्मीद करूंगा और बस यही कोशिश करूंगा कि उनकी उम्मीदों पर मैं खरा उतरूं और उनकी मेहनत को मैं वेस्ट ना होने दूं, ज़ाया ना जाने दूं, उनको मैच करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है ऑब्वियसली बात है, क्योंकि वो है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि उनके कदम से कदम मैं मिला सकूं और उनको निराश ना करूं। डांस की बात आती है तो पर्सनली ऐसे डांस फॉर्म्स बहुत सारे होते हैं, तो आपका फेवरेट कौन सा डांस फॉर्म है जो आपको अंदर से करने मजा आता है और उस चीज में आपको कभी डांट नहीं मिलती, या यू आर परफेक्ट शो है ऐसा कभी सुनने आया है? मुझे आई थिंक परफेक्ट किसी भी चीज में इंसान कभी होता नहीं है, मुझे बस गाने लगा दो, बॉलीवुड डांस करा लो, शाहरुख खान के डांस करा लो, उस तरीके से तो वो मुझे मजा आता है, चाहिए चाहिए फ्री स्टाइल करते रहो ये वो, लेकिन हाँ ये थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है, हर एक बीट पकड़ना चीज़ों पे थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है, बट यस यही एक चैलेंज है, झलक दिखला जा फिर कि यही अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आपको चैलेंजेस फेस करके आपको आगे जाना है। बट डांस के दौरान इंजरीज भी काफ़ी चांसेस होती है, तो उस चीज़ का प्रिकॉशंस किस तरह से और क्या कुछ हुआ है? प्रिकॉशंस में कभी मतलब हम कोशिश पूरी यही करते हैं कि ना हो पाए, लेकिन कभी कभी चीज़ें हो जाती हैं, अभी इनफैक्ट जैसे यहाँ पे मेरे बहुत ज़्यादा पेन है, जो मेरा फर्स्ट एपिसोड में मुझे यहाँ पे इंजरी हुई थी, एंड सेकेंड एपिसोड का जो अभी की चीज़ें की हैं तो उसमें और ज़्यादा थोड़ा सा ट्रिगर हो गया है, क्योंकि उसमें स्टेप्स ऐसे हैं, बट अभी चल रहा है काम, फिजियो वगैरह रोज़ होता रहता है, कपिंग वगैरह भी हुई है, देखते हैं अभी कैसे क्या होता है। बट श्रेयस आई मस्ट से जब आपको नच बलिए में देखा था तभी भी आप ऐसे ही थे फिट एंड फाइन, एंड अब झलक कर रहे हो अभी भी आप फिट एंड फाइन लग रहे हो, क्या कुछ राज है आपका फिटनेस का? यार ऐसा कोई राज नहीं है, बट मैं कोशिश करता हूँ कि हाँ मैं थोड़ा सा फिट रहूँ, ऐसा नहीं है, बीच बीच में मौका आते भी हैं, अभी जब रुहान हुआ था तो उस टाइम मैं जब दो तीन महीने ना वर्कआउट कर पाया तो मैंने बहुत पुट ऑन भी कर लिया था, लेकिन मुझे खुद को देख के फिर अजीब सा लगता है, एंड देन हाँ साल के 12 महीने इंसान अपने आप को नहीं स्टाफ कर सकता है, नहीं किसी चीज़ से महरूम रख सकता है, तो एक वक्त लाइफ में एक साल में ऐसा आता है कि जहाँ बीच में आपका सब कुछ खाने का मन करता है और रेस्ट करने का मन करता है, वो भी ज़रूरी है, लेकिन जब वो वक्त खत्म होता है उसके बाद वापस चीजें करके तो अभी थोड़ा सा बेटर हुआ हूँ। बट डांस के लिए स्टेमिना एनर्जी लेवल यू नो बहुत हाई होना जरूरी है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो कोरियोग्राफर है अनुराधा, उन्होंने कभी आपको ऐसे डाइट बताया कि आपको ये डाइट फॉलो करना पड़ेगा? वो बस मुझे बोलती है कि आपको अभी डाइट मत फॉलो करो, अभी सब कुछ खाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, 4-4, 5-5 घंटे, तो अभी ये भूल जाओ कि आपको सिर्फ प्रोटीन पर रहना है, आपको कार्ब्स नहीं लेना, आप अच्छे से खाओ, सब निकल जाएगा डांस में, कोई बात नहीं। लास्टली सभी फैंस को क्या कहना चाहेंगे, बिकॉज वो काफ़ी एक्साइटेड है आपको डांस करते हुए वापस देखने के लिए, तो उनको कुछ कहना चाहेंगे? यस मैं यही बोलूँगा कि अब कुछ नया लेके आ रहा हूँ आप सबके सामने, हालांकि आपने पहले मुझे एक रियलिटी शो में देखा, लेकिन इस बार मैं अकेला हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है, एंड बस आपसे यही गुजारिश है कि आपका सपोर्ट चाहिए, आपका प्यार चाहिए, जैसे आप हमेशा अब तक देते हुए आए हैं, एंड यस आपको कुछ नई नई चीज़ें दिखाने की या नए नए डांस फॉर्म दिखाने की या एंटरटेन करने की कोशिश मेरी पूरी यही रहेगी कि मैं आपको एंटरटेन कर सकूं, आपको उम्मीदें पे खरा उतरूं, आपको निराश ना करूं, सपोर्ट और प्यार बनाए रखिएगा। लेकिन इतने सारे कंटेस्टेंट्स में से ऐसा कोई टफ कॉम्पिटिटर आपको लग रहा है अभी तक फिलहाल? नहीं, आप में सभी कॉम्पिटिटर हैं, हर इंसान अपना 100% यहाँ पे देने वाला है, दे रहा है, मुझे लगता है कि मुझे खुद से बेटर अपने आप को हर एपिसोड में अपने आप से ही बेटर परफॉर्म करना है, क्योंकि ये जर्नी जो है वो खूबसूरत होनी चाहिए, जितना किसी एक को ही है, 12 कंटेस्टेंट हैं, 11 ऑब्वियसली बातें निकल रही हैं, कोई एक ही जीतेगा, लेकिन हर एक इंसान की मैं स्पेशली यही मोटिव लेके चलता हूँ कि जब तक भी इस शो में हो वो जर्नी इतनी खूबसूरत होनी चाहिए कि जब इस शो के बाद आप अपनी जर्नी देखो तो आप बोलो कि नहीं यार जितना भी था बहुत इंजॉय किया, मज़ा आया, तो ये होना चाहिए। अमेजिंग जजेस भी है, क्या कहना चाहिए उनके साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करना, कितना एक्साइटेड है आपके लिए? मेरे लिए बहुत एक्साइटेड है, यू नो लाइक एक छोटे, मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक छोटे गांव मोदहा से आना, भोपाल में पढ़ाई लिखाई करना,
हालांकि 13-14 साल इंडस्ट्री में हो गए हैं काम करते करते, बट तब भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है कि वो मेरे सामने फरा मैम बैठी हैं, अरशद सर बैठे हैं, एंड वो हम उनके लिए परफॉर्म कर रहे हैं, उनके सामने परफॉर्म कर रहे हैं, वो हमसे रूबरू हो रहे हैं। तो ये बहुत एक बहुत से लोगों के लिए सपना है ये, और मेरे लिए भी एक ये चीज़ एक सपना ही थी कि यार कभी फरा मैम से मैं ऐसे मिलूंगा, कभी मलाइका मैम से मैं एक बार मिल चुका हूँ पहले रियलिटी शो में ही, अरशद सर हो गए। तो ये सब एक सपने होते हैं, ख्वाहिशें होती हैं इंसान की, सपने होते हैं वो धीरे धीरे पूरे होते जा रहे हैं। बस डांट ना खाऊं उनसे, बस यही मेरी हमेशा मोटिव रहेगा कि वो ऑब्वियसली बात है डांटेंगी भी तो अच्छे के लिए ही डांटेंगी, लेकिन बस कोशिश ही रहेगी कि उनको क्या बोलते हैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूँ मैं और उनको निराश ना करूँ। थैंक यू सर। कैमरामैन अनंतो के साथ अरुणा पूर्वे, मुंबई।